अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो मैंने गाड़ी ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और न्यू गाड़ी ली है, मतलब मेरे लिए न्यू है पुरानी है। तो आज इसी का रिव्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे कि गाड़ी कैसी है, कितने की है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं। जिन बातों का मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा, जिनका नहीं पता वो भाई नहीं बता सकते। मतलब इसके स्पेसिफिकेशन में जो जो मुझे पता है वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गाड़ी को कर लिया जाए वॉश। तो वाश गाड़ी हो गई है, पहले ही वैसे साफ ही थी लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी धोनी जरूरी है, नीट हो जाती है सही तरह ना अच्छे से। जब लाए थे गाड़ी, ये सीन हुआ था, स्टार्ट से आपको बता देता हूँ। हुआ ये था कि गाड़ी ली थी हमने, एक इधर बंदा ऑस्ट्रेलिया का ही है, उसका नाम है माइकल अल हसन, इस तरह का नाम है, मुस्लिम है लेकिन नाम माइकल है, एंड पे अल हसन आता है, तो इस तरह कुछ है। उससे गाड़ी ली थी, मैं कर रहा था ऊबर, रास्ते में मैंने देखी थी गाड़ी, मुझे अच्छी लगी। उसने बाहर ना इस पे वो लिखा हुआ था कि फॉर सेल, और प्राइस वगैरह नहीं थी लिखी हुई, लिखा हुआ था 2010 मॉडल है, और साफ गाड़ी थी बिल्कुल। तो मैंने कहा यार चेक तो करते हैं, मतलब छोटी गाड़ी है तो मुझे चाहिए भी छोटी थी, क्योंकि इधर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मैं रह रहा हूँ, तो सिडनी में पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर आपने गाड़ी बाजार लेके जाते हैं किसी मार्केट में, तो आपको पार्किंग इजीली नहीं मिलती। पार्किंग स्टैंड्स भी बने हुए हैं लेकिन छोटी गाड़ी हो तो पार्किंग ईजी होती है, और मुझे तो ड्राइविंग भी कोई ख़ास नहीं आती, इसलिए छोटी गाड़ी को प्रेफर किया गया था। तो उससे पता वगैरह किया, उसने फिर बता दिया कि मतलब मैंने सेल वाकई करनी है, तो ये प्राइस वगैरह उसने बता दी, स्पेसिफिकेशंस बता दी। तो उसके बाद जब अभी अभी मैंने ली थी, तकरीबन 1 वीक पहले ली है गाड़ी, तो रिव्यू इसका आज दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ही आज मिला है। ठीक है, अभी आप स्लोमो देखें। तो स्लोमो आपने देखा, इससे अच्छा मेरे से बन नहीं सकता था, तो यही स्लोमो है, इससे ही काम चलाओ। और अभी अंदर से गाड़ी दिखा दी जाएगी कि किस तरह की है, मतलब क्या क्या है इसमें थोड़ा बहुत। जी गाइस, तो ये इतनी चली हुई है गाड़ी, 1,87,902 किलोमीटर, और कुछ पहले 1,86,000 थी, अभी 1,500 किलोमीटर मैंने चला ली है, और बाकी इधर ये टाइम इसका शो होता है। और एसी पहले दिन मुझे ये था, इसका जो एसी है ना ये काम नहीं करता, मतलब कूलिंग नहीं कर रहा, हीट कर रहा था। और 1-2 दिन मैंने चलाई है तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे ये था गैस वगैरह ख़त्म हुई होगी, लेकिन नहीं थी, मतलब ठीक है, अभी ठीक काम करता है ये। बाकी ऑडियो सिस्टम है इसमें, वीडियो शीडियो नहीं है, मतलब ये देख लें आप। और मैनुअल है ये, एक इसका रिवर्स इधर होता है, मतलब इसको नीचे से ऐसे प्रेस करके उधर ले जाके आगे करें तो रिवर्स है, 5 गियर है बाकी रिवर्स के अलावा। और ये देख लो स्पीकर्स हैं, मतलब ठीक काम करते हैं, साउंड वगैरह अच्छा है, सीट है बिल्कुल साफ़ है गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, मतलब कोई स्क्रैचेस वगैरह अंदर तो नहीं है कुछ भी, बाहर 1-2 स्क्रैच है, मतलब एक डंट पड़ा हुआ है वो, और 1 स्क्रैच है। ठीक है, और ये साइड पे इसके मिरर को एडजस्ट करने के लिए है, ये लेफ्ट वाला मिरर और ये राइट वाला, मतलब अंदर से इसको एडजस्ट करना हो, ये लाइट ऊपर नीचे,
और कुछ मुझे ये हारना है, मुझे इसका कुछ खास अभी पता नहीं है इतना कि देख लो आप। ये इसका इसमें कोई लाइसेंस वगैरह है, कोई फेस वॉश, कोई टूथपेस्ट वगैरह रखी हुई है। ये साथ ही मिला था इसके, मोबाइल रखने के लिए स्टैंड। और मिरर जो है ये ऑटोमेट वो है, मतलब पावर स्टेयरिंग है, मिरर्स हैं इससे ऊपर नीचे बस। तो मिरर इसके ब्लैक ही मिले थे, क्यों फ़ायदा हो गया। और होल्डन कंपनी है, ये लिखा हुआ है होल्डन कंपनी है। और बरीना है इसका मॉडल, 2010 है, बस बस यही है कि मतलब टू डोर है ना, तो पीछे कोई डोर ही नहीं है, एक ये और वो दो डोर है। और यहाँ से पकड़ के पीछे सीटें जा रही हैं, मतलब वो सीटें पूरी हैं सीट्स। तो ये है जी सीट्स, मतलब पूरी हैं, डोर टू है। तो यहाँ से ऐसे करके पीछे, और भाई पीछे चला जाए इधर। और अभी इसकी डिक्की भी दिखा देते हैं। जब साफ है बिल्कुल ना गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिल गई है। मेरा नंबर इस रिमशी में इसके लोहे के ही हैं, और शीशे वगैरह ब्लैक ही थे पहले ही। ये सीन ठीक है, मतलब इसका कुछ भी नहीं अभी तक मैंने ना करवाया। और गाइज ये इसकी की, दो कीज मिली थी इसके साथ, एक ही है और एक और है। तो गाइज वीडियो वगैरह तो आपने पूरी अब देख ली होगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो के एंड तक आए हैं देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी है तो। अगर प्राइस जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, या मैसेज भी कर सकते हो मुझे, इंस्टाग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो प्राइस वगैरह उस पर बता देंगे आपको। तब तक अपना ख्याल, नेक्स्ट वीडियो के आने तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।